वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है और उसको उसका पानी ऐसे करके निचोड़ लिया है, देखिए। और ये 400 ग्राम लौकी थी, एक लौकी है उसके हम बना रहे हैं। और ये हमने दो टमाटर लिए हैं जिनको मोटा मोटा काट लिया है, दो हरी मिर्च हैं, और ये हमने लिए हैं तीन प्याज जिनके स्लाइस कर लिए हैं, 2 इंच अदरक है और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की हैं। बाकी जो मसाले हम डालते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे। ऑयल लेंगे हमने इसमें, पैन में 1.5 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं, अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा ये भुन जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज। दोनों चीजों को हम डाल के अच्छे से भूनेंगे। लौकी तैयार है, इसमें हम बेसन डाल रहे हैं और नमक और मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। और ये मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा बना है। आधा कप हमने एक बेसन लिया और 1/4 कप और डाला है, तो ये बाइंड हो जाना चाहिए पकौड़ों को उतारने के लिए। टेस्ट करके देख लें, नमक कम ज़्यादा है तो कर सकते हैं ऐड। इस टाइप से हम सारे लौकी के कोफ्ते बना लेंगे गोल गोल। अब हमने डाले हैं इसमें टमाटर, प्याज भून गई थी बीच में तो इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए ये भुन गया है। अब हम इसको गैस को ऑफ करते हैं, इसको ठंडा होने की वेट करते हैं। यहाँ यही ध्यान रखना है कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल। हमने कढ़ाई में तेल गरम होना रख दिया था, अब हम उसमें डाल रहे हैं ये कोफ्ते। अब देखिए इसमें हमने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं और गैस को स्लो टू मीडियम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। और ये देखिए गोल गोल बिल्कुल कोफ्ते कितने बढ़िया लग रहे हैं। इनको हम अपने आप ये घूम रहे हैं देखिए, और इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। उलट पलट के हमें ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए एक तरफ से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो जैसे ही ब्राउन होंगे हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से एक से ब्राउन हो गए हैं और अंदर से भी ये कच्चे नहीं है। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में, आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ कितने बढ़िया ये बने हैं। और ये देखिए इसमें ये 16 के करीब कोफ्ते बन गए हैं। ये देखिए मसाला जो है वो इस तरह से पिस गया है। अच्छा महीन पेस्ट हम इसका बना लेंगे। अब पैन गरम कर लिया है हमने, उसमें हम डाल रहे हैं ये ऑयल, 1-2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इसको गरम होने देंगे। इसमें डाल रहे हैं हम 1 चम्मच जीरा, 3 तेज पत्ता, 1 इलायची, 1 दालचीनी और 3 लौंग। तो ये हम डाल देंगे इसमें मसाले और अच्छी खुशबू आने लग जाए इसकी उस समय हम डालेंगे इसमें ये पेस्ट जो हमने पहले से बना के रखा है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला लिया है। मिक्सी में भी जो हमने पेस्ट लिया था उसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर दिया है। और इसको अब हमें थोड़ी ही देर भूनना है। नमक जो है स्वाद के अनुसार डालेंगे, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये घर का कुटा गरम मसाला है इसलिए थोड़ा तीखा है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम 1 टेबलस्पून डालेंगे कलर के लिए। इनको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी,
और अच्छे से ये मसाले पक जाएं, तब तक हम इनकी इंतज़ार करेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, हमने टेस्ट करके देख लिया है और आप देख सकते हैं कलर भी अच्छा आ गया है। अब हमें जितनी इसमें ग्रेवी चाहिए ना उतना हम इसमें पानी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर इसको उबलने तक पकने देंगे अच्छे से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए ये ग्रेवी हमने अभी इतनी रखी है और इसको हम ढककर पकने देते हैं। हमने इसको कवर करके अच्छे से पका लिया है, आप देखिए बहुत अच्छे से ये पक गया है। करीब 5 मिनट्स मैंने इसको पकाया है। अब मैं डाल दूंगी इसमें एक कोफ्ते। नमक वगैरह सब हमने टेस्ट कर लिया है इस समय और बस 1-2 मिनट चलाएंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया। और इसको हम धीरे धीरे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। आपको तरी अभी यहाँ हल्की लग रही है पतली, ये गाढ़ी हो जाएगी रखे रखे। अब ये देखिए ये बनकर तैयार है और थोड़ी देर रखते ही ये देखिए कितनी गाढ़ी ये हो गई है और हमारे ये भी सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए बहुत ही परफेक्ट कोफ्ते बने हैं। इसमें हम ऊपर से और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और बहुत ही बढ़िया ये लगेगा देखिए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, इस तरह से भी बनाकर देखिए, खाइए और खिलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और देखिए ऊपर से आपको सुंदर दिखने वाली सब्जी चाहिए तो हमने इसमें ये 1 चम्मच देसी घी लेकर हल्का सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाला है और उसको इस तरह से डाल दिया है। तो ये देखने में भी सुंदर लग रही है और खाने में है लाजवाब। तो इस टाइप की सब्जी आप जरूर बनाइए और खाइए।